हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्कल और आप लोग मुझे जानते हो। और फाइनली मैं आपको नागाखीवा की लोकेशन भी इस वाली वीडियो में बता दूंगा। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको उची कटाना की लोकेशन बता दी थी और इस वाले में मैं आपको नागाखीवा की लोकेशन बता दूंगा। ये मेरा जो पूरा बिल्ड है ये दोनों शॉर्ट्स के ऊपर ही है, एक नागाखीवा है और एक उची कटाना है। अगर आप चाहते हो मैं मेरा पूरा बिल्ड बताऊँ तो मैं उसकी वीडियो भी अलग से बना दूँगा। फिर आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। मैं आपको फर्स्ट स्टेप से ही लोकेशन दिखाऊंगा, ठीक है। ये रहा फर्स्ट स्टेप, यहाँ से ये चर्च ऑफ एलन, ठीक है। यहाँ से यहाँ गेट फ्रंट रुइंस, ये सब चीज़ आपके में मार्क नहीं होगी क्योंकि ना मैं पहले एक्सप्लोर कर चुका हूँ क्योंकि मैं ना गेम प्लस मोड में हूँ, ठीक है। यहाँ से राइट लेना है और इस जगह आना है। यहाँ पर है एक, यहाँ पर आपको ग्रेस मिल जाएगी, मर्क वाटर कॉस्ट, ये ग्रेस है यहाँ पर। यहाँ से फिर आपको ये यहाँ पे आ जाना है और ये लोकेशन कुछ ऐसे दिखती है, देखिए, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। आपको क्या करना है ऐसा कि मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ना एनपीसी मिलेगा आपको एक, ठीक है। एनपीसी वेट करेगा आपको, ठीक है। देखिए मैं हॉर्स उतर गया हूँ, ये एनपीसी आ जाएगा मेरे सामने। आगे चलते, देखिए आ गया ब्लडी फिंगर ढिमकाना, जो भी नाम है इसका, करा देते हैं, ठीक है। मेरा ब्लड बिल्ड है, ये जो मेरा है ब्लड बिल्ड है, ठीक है। और आपको ये रेडियो विया ये भी ब्लड बिल्ड की वेपन है, ये मिल जाएगी मेरे पास पहले से मिलने वाली, ठीक है। ठीक है, तो आपने उस एनपीसी को हरा दिया है। वैसे आपको ना ज़रूरत है नहीं उस एनपीसी से फाइट करने के लिए, लेकिन मैं आपको ना डबल वेपन्स दिखाना चाहता था। आपको दो वेपन्स मिल जाएंगे और ये ब्लड बिल्ड का वेपन था, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आप एनपीसी फाइट करके ये वाला वेपन भी ले सकते हैं, वरना आप ना डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ आपकी नागाखीवा कैसे मिलेगी आपको, ईजी वे बताऊँगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आना, आपको दिख रहा है पीछे समुराई, ठीक है। जिस रास्ते में आपको लेके गया ना सीधे, बस उसके पीछे ही आपको मिलेगा। मैं लोकेशन पहले स्टार्ट में आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये है वैसे इसके लिए पूरी क्वेस्ट लाइन है, इसलिए पूरी अगर आपको एकदम सीधे तरीके से लेनी है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा एकदम टेढ़ा तरीका, सीधी जगह इसको मार दो, इसको सीधे सीधे मार दो और आपको इस नागाखीवा मिल जाएगी, ठीक है। ले लीजिए, आपको नागाखीवा मिल गई है। आपको एक क्यूब करके दिखा देना उसका क्या सीन है। अरे मैंने लगा दी, एक सेकेंड अपना गाइस, आपको क्यूब करके दिखा देता हूँ। ऊंची कटाना वहाँ का कीबा, मैं ऊंची कटाना इसमें ना का कीबा लेने में मैं ना का कीबा, ये देख लीजिए गाइस, थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, डबल लेंथ का डिफरेंस है, लेकिन ये है नागाखीवा। मेरी जो है अपग्रेडेड है, बाकी आपको ना जो बेस है उसका मैं बता देता हूँ। बेस कितने का है, 115 प्लस 95 का है, और जो सेम ही है उसका जो ऊंची कटाना का था वही सेम है इसका ही है, ठीक है। मेरी है जो अपग्रेडेड है नागाखीवा ब्लड बिल्ड की है, ये देखिए 230 प्लस है और डी रैंक में है, ठीक है। काफ़ी अच्छा ब्लड बिल्ड है, सेप्पी को अप्लाइड करना है। और हो सके तो आपको ना नेक्स्ट वीडियो में सेक्कुकू है ना उसका वही बता दूंगा, आपके ना आपको सेक्कुकू कहाँ मिलेगा और आपको ना कैसे उसको अप्लाई करना है दोनों स्वॉर्ड्स को, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वही बता दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।